गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास ट्वेल्थ में अपरेंट शिफ्ट या अपन उसको बोल सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर वर्कआउट कर रहे थे, तो उसके ऊपर अपन ने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए। आज की क्लास में भी अपन एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जो क्या है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्लेब एट ए डिस्टेंस एक्स। कि एक ट्रांसपेरेंट स्लेब है, इससे सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, फ्रॉम इट्स क्लोजर सरफेस। ठीक है, इस सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट और रखा हुआ है अपना, ठीक है। इट इज सीन फ्रॉम द अदर साइड, अगर अपन इधर से देखें इसको तो इस ऑब्जेक्ट की अपने को इमेज किधर दिखेगी, इधर। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया, तो इसी को तो अपन बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट। ये बताया था मैंने, अपन ने एक टैंक का एग्जांपल लिया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस जो भी क्लास थी उसमें एक टैंक का एग्जांपल लिया था, कॉइन उसके अंदर डाला था तो अपने को कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया था, उसी को तो अपन बोलते हैं अपेरेंट पोजिशन या अपेरेंट शिफ्ट, ठीक है। तो इसकी जो अपेरेंट पोजिशन मतलब अपेरेंट शिफ्ट, ये जिसको अपन एस से लिखेंगे, मतलब इधर से मैं देख रहा हूँ तो इसकी इमेज अपने को इधर दिख रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया ना, इसी को तो बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट। तो अपेरेंट शिफ्ट अपने को बताना है, जो अपेरेंट शिफ्ट है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो आप, किसी भी जगह रख दो, है ना, जो एक्स है क्या है, इस सरफेस से इसकी डिस्टेंस है, वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, है ना, वो अपने को बताना है, ठीक है। और इसका एक उसकी वैल्यू भी बतानी है। ये अपना न्यूमेरिकल है। जो अपना स्लेब है वो किसका बना हुआ है, ग्लास का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, म्यू, ठीक है। बाहर क्या है, मीडियम एयर, इधर भी क्या है, एयर, और जो इसकी थिकनेस है वो अपने को क्या दे रखी है, टी। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि स्लेब के इधर अपना क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, अपन इधर से देख रहे हैं तो इसकी इमेज किधर दिख रही है अपने को, इधर, तो ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया, इसी को अपन बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट। इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, और जो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स पे डिपेंड, ये अपने को प्रूव करना है कि ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, देखो बेटा, कि मैं ऑब्जेक्ट से दो रे ले रहा हूँ, एक तो रे ले रहा हूँ मैं, देखो, नॉर्मल के ऊपर, एक नॉर्मल के ऊपर जो रे लेते हैं वो क्या होती है, सीधी पास हो जाती है, ठीक है। दूसरी रे ले रहा हूँ मैं किसी एंगल पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एंगल पर मैंने रे ली है, इंसिडेंट कराई है, तो ये इसका हो गया, देखो इस सरफेस पे क्या हो गया, नॉर्मल। तो देखो एयर से डेंस, एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में, मतलब रेयर मीडियम से डेंस में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी रे, तो ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो ये नॉर्मल हो गया इसका, ठीक है। तो नॉर्मल से जब बाहर जाएगी तो क्या होगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है। अब देखो इस सरफेस के लिए, देखो बस इस सरफेस को एक बार बोल जाओ, इस सरफेस के लिए अपन देखें तो यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहां से अगर अपन इमेज देखें इस ऑब्जेक्ट की, अगर इसके इसके अंदर अपन यहां पे बैठ के अपन देखें इस ऑब्जेक्ट की इमेज, तो इमेज अपने को कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी ना, ओवन पे। अरे इस लाइट को अपन पीछे बढ़ाएंगे और इस लाइट को पीछे बढ़ाएंगे तो इस ओ की जो इमेज है वो कहाँ दिखेगी अपने को, यहाँ पर ओवन, ठीक है। इस सरफेस से देखें तो, सिर्फ इस सरफेस से देखें तो इमेज अपने को कहाँ दिखेगी बेटा, ओवन पे, पीछे बढ़ाएं तो लाइट को, है ना, यहाँ से अपन देखें तो इस सरफेस के लिए देखो, बिकॉज of the refraction at the first surface, the image of O formed एट ओवन, ठीक है। मतलब जो ओ की इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, ओवन पे, अगर फर्स्ट सरफेस से देखें। तो अपने को देखो,
अब देखो इस सरफेस से अपन देख रहे हैं, तो इस सरफेस के लिए बेटा, इस सरफेस के लिए क्या ये मतलब AO रियल डेप्थ हो जाएगी? क्या रियल डेप्थ हो जाएगी? और रियल पोजीशन बोले या रियल डेप्थ बोले एक ही बात है, और AO1 क्या हो जाएगी? अपेरेंट डेप्थ या अपेरेंट पोजीशन, सही है क्या? इस सरफेस के लिए लिख सकता हूं मैं, फॉर दिस सरफेस रियल डेप्थ तो क्या हो जाएगी? रियल डेप्थ AO, ठीक है, और अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी? AO1, सही है। और अपन जानते हैं रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में अपन एक रिलेशन पढ़ा था, याद है कि रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या होता है? जिस मीडियम से लाइट आती है और जिस मीडियम में लाइट जाती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, ठीक है। तो रियल डेप्थ तो कितनी है? AO। अपेरेंट डेप्थ कितनी है? AO1। लाइट किस मीडियम से आ रही है? एयर से आ रही है। और किस मीडियम में जा रही है? इस मीडियम में जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ऊपर आएगा। और कितना होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा? μ1 होता है, ठीक है। और किस मीडियम में जा रही है? इस मीडियम में जा रही है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? म्यू, ठीक है। अब बेटा देखो AO की वैल्यू दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, कितनी? x। तो AO की जगह अपन क्या रख सकते हैं? x रखते हैं, ठीक है। अपॉन में कितना है? AO 1 अपॉन म्यू। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा? AO 1 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? म्यू एक्स। क्या मिल जाएगी? म्यू एक्स, ठीक है। ये अपन ने फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा। उसके बाद में देखो इस सरफेस का रिफ्रैक्शन, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो इस सरफेस के लिए ये लाइट होगी, और ये लाइट इस सरफेस को क्या लगेगी? ये लाइट कहां से आ रही है? इससे आ रही है ना, सीधी। इस सरफेस को तो लगती है ना लाइट, सीधी आती है, अपन को बताया लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो इस सरफेस को क्या लगेगा? ये लाइट कहां से आ रही है? इससे। मतलब इस सरफेस के लिए ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, जो कि इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए क्या था? इमेज, है ना। तो इस सरफेस के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बन गया, और इमेज कहां बनेगी? ये इमेज यहीं बनेगी ना। इस लाइट को देखो, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज कहां बनेगी? ये, जो कि फाइनल इमेज है अपनी, जो कि क्या है? फाइनल इमेज, जो स्लैब ने जो इमेज बनाई वो यही तो बनाई ना, जो कि क्या है? फाइनल इमेज। तो अब देखो इस सरफेस से अपन क्या रिफ्रैक्शन देखते हैं, और रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी है वो कितनी बनी है? आई बनी है। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया? O1। और इमेज क्या आ रही है? आई, जो कि अपनी क्या है? फाइनल इमेज, ठीक है। तो अपन देखते हैं इस सरफेस से, तो बेटा इस सरफेस के लिए मेरे को ये बताओ कि रियल डेप्थ क्या हुई? रियल डेप्थ क्या हो जाएगी इस सरफेस के लिए? रियल डेप्थ क्या होती है? ऑब्जेक्ट, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट यहां से देखो ये, तो BO1 हो जाएगा ना, और अपेरेंट डेप्थ जहां पे इमेज बनती है, तो इमेज कहां बन रही है? इस सरफेस से इमेज कहां बन रही है? ये आई। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी? BI, ठीक है। और रिलेशन अपन जानते हैं इनमें क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? अब देखो इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, क्योंकि लाइट इस मीडियम से बाहर जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू अपॉन, इसके अंदर जा रही है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। म्यू अपॉन 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए BO1 को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या BO1 को अपन AB अपॉन AO1 लिख सकते हैं? सही है, ये जो BO1 है इसको AB प्लस AO1 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखता हूं मैं? AB प्लस AO1 अपॉन में क्या है? BI इक्वल में क्या है? म्यू, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है बेटा? T। और AO1 की वैल्यू कितनी है? म्यू एक्स, ठीक है, रख दे। तो AB की जगह अपन क्या रख दें?
टी, और ए ओ वन की वैल्यू कितनी है म्यू एक्स अपॉन में क्या है बी आई इक्वल म्यू, ठीक है। तो वहां से अपने को जो बी आई मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा टी म्यू एक्स अपॉन म्यू, अलग अलग डिवाइड करें इसमें इसका डिवाइड करें तो क्या आएगा टी अपॉन म्यू, इसमें डिवाइड करें तो कितना आएगा एक्स, तो ये अपने को बी आई मिल गया, ये अपने को क्या मिल गया बी आई। तो अपन इधर से देख रहे हैं तो इमेज किधर बन रही है इधर बन रही है, तो अपने को शिफ्ट बताना है ये, मतलब ओ आई की ओ आई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ओ आई की वैल्यू बतानी है जो जिसके अंदर अपने को क्या बताना है कि जो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो देखो जो अपना जो नेट शिफ्ट है ओ आई वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो ओ आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, ओ बी में से क्या मैं ए आई को माइनस करूंगा तो ओ आई आ जाएगा, किस में से ओ बी में से, मैंने किसको माइनस किया बेटा बी आई को माइनस किया है, ठीक है। तो ओ आई कितना आ जाएगा जो शिफ्ट अपना ओ बी की वैल्यू बताओ कितनी है, ओ बी की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू क्या इसके इक्वल नहीं है टी प्लस एक्स के, ठीक है, टी प्लस एक्स माइनस बी आई की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट की है कितनी है टी अपॉन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो टी प्लस एक्स माइनस को अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस टी अपॉन एक्स टी अपॉन म्यू, ये टी अपॉन म्यू माइनस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचा टी माइनस टी अपॉन म्यू, इसके अंदर से टी कॉमन आ गया तो वन वन अपॉन म्यू, तो ये अपना आ गया नेट शिफ्ट। तो दिख रहा है आपको जो नेट शिफ्ट है वो उसके अंदर एक्स की टर्म नहीं आई है जो कि क्या है एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो यही अपने को क्या प्रूफ करना था, और जिसकी वैल्यू कितनी है टी ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये अपन ने कैसे देखा कि पहले तो अपन ने फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन, फिर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, तो फर्स्ट सरफेस ने इमेज कहाँ बनाई ऑब्जेक्ट की इधर बनाई, और सेकंड सरफेस ने इमेज किधर बनाई इसकी इधर बनाई, तो जो टोटल फाइनल इमेज बनी वो किधर बनी ये, तो जो शिफ्ट हुआ वो किधर हुआ इस साइड हुआ ना, जो शिफ्ट ये ओ आई है इसकी वैल्यू अपने को बतानी है जो कितना आया टी ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन म्यू जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है, ये अपने को शो करना था। अपन ने ऐसे दो दो केस पढ़े, एक तो क्या एक टैंक में अपन ने क्या डाला था कॉइन डाला था है ना, उसका अपन ने नेट शिफ्ट निकाला था वो भी कितना आया था ये आया था, ठीक है। इसका एग्जांपल ये इसके अंदर भी नेट शिफ्ट कितना आया ये आया, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी कि जो नेट शिफ्ट की डायरेक्शन है वो रे की डायरेक्शन में ही है, जो नेट शिफ्ट मिल रहा है अपने को वो देखो इधर मिल रहा है, जो किधर है रे की डायरेक्शन है, रे की डायरेक्शन के अंदर ही मिल रहा है दोनों में, तो जो शिफ्टिंग है वो किधर होती है रे की डायरेक्शन में ही होती है हमेशा, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो नेट शिफ्ट मिल रहा है जो भी अपने को अपेरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट मिलता है वो हमेशा किधर मिलता है रे की डायरेक्शन में ही मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने ये न्यूमेरिकल सोल्व किया, एक तरह से ये डेरिवेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना इसको कैसे सोल्व किया है ना। ये देखो इसके लिए इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी और इस सरफेस के लिए ये इमेज बनेगी, तो स्लैब ने जो फाइनल इमेज बनाई वो कहाँ बनाई ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।